मेरी तरह मेकअप ट्यूटोरियल देखने में जिस जिसको मजा आता है वो अपना चाय का मग ले आए और आकर मेरा स्मोकी आई मेकअप लुक ट्यूटोरियल देखे। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जज मत करना। बस मैं अपना थोड़ा बहुत मेकअप करने के काबिल हो चुकी हूँ, तो हो सकता है मेरी ये वीडियो देख के आपको भी हेल्प मिले, क्योंकि अगर मैं मेकअप कर सकती हूँ ना तो यार कोई भी कर सकता है। हाँ जी, मुझे पता है कि मैं विदाउट मेकअप ज्यादा अच्छी लगती हूँ, पर यार मुझे मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चले मेकअप ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को प्रेप। एज अ ब्लॉगर मुझे मेकअप करना ही पड़ता है, तो मुझे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं ईशा ऑर्गेनिक का पोर मिनिमाइजिंग टोनर यूज करती हूँ। अब क्योंकि ये पोर्स को तो मिनिमाइज और श्रिंक करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है और स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद में ईशा ऑर्गेनिक का ही अंडर आई डार्क सर्कल सीरम जो है वो अपने फुल फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सीरम है जिसके अंदर वो तमाम ऑयल्स हैं जो यूजुअली हम अपने फेस पर भी अप्लाई करते हैं, तो इसलिए मैं अंडर आई के साथ साथ इसको अपने फुल फेस पर अप्लाई करती हूँ। ईशा ऑर्गेनिक का ही प्राइमर यूज कर रही हूँ जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये स्किन टेक्सचर और पोर्स को ब्लर करने में हेल्प करता है। इन तमाम चीजों को अप्लाई करने के बाद आपने 10 मिनट्स तक वेट करना है, देन आपने फाउंडेशन की तरफ जाना है। फाउंडेशन में मैंने 0.1 शेड लिया है ईशा ऑर्गेनिक का, मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर है बट फुल मेकअप के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। इनकी फाउंडेशन का मैं ऑलरेडी डिटेल्ड रिव्यू कर चुकी हूँ, मरियम परवेज और ईशा ऑर्गेनिक की फाउंडेशन का मैंने एक साथ रिव्यू किया था, आप मेरी वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ईशा ऑर्गेनिक की फाउंडेशंस की अच्छी बात यह कि इनके जितने भी शेड्स हैं ना वो बहुत ज्यादा लाइटर नहीं है, हमारे एशियन स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे ये जाते हैं। जब फाउंडेशंस के शेड्स बहुत ज़्यादा लाइटर होते हैं ना तो हमें अपने फेस को बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करना पड़ता है, तो इन शेड्स में ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा ये नॉर्मल टू हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो आप इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बिल्डअप कर सकते हैं। अब जैसे मुझे थोड़ी ज़्यादा कवरेज चाहिए थी तो मैंने थोड़ी सी और फाउंडेशन जो है वो बिल्डअप की है। बहुत ही स्मूथ और नेचुरल फिनिश देती है ये फाउंडेशन, और इसकी अच्छी बात ये कि ये लॉन्ग लास्ट भी है। ओके, ऑरेंज कलर करेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन से पहले अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं। यहाँ पे मेरे पास मिस रोज का और एलए गर्ल का कंसीलर था, तो मैंने एलए गर्ल का कंसीलर लिया। ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लाइट शेड में नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा लाइटर शेड वाला कंसीलर चाहिए था, बहरहाल अब मैंने ये अप्लाई कर लिया है। ओके जी, इसको अप्लाई करने के बाद मैं इसको फौरी तौर पर ब्लेंडिंग करूँगी, इसको मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं ब्लश और कॉन्टोर कर लूँगी। ब्लश जो है वो शी ग्लैम का मैं यूज़ कर रही हूँ, क्रीम ब्लश है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद रिमल की कंटोरिंग स्टिक जो कि मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लेकिन मेरा इससे दिल नहीं भरता, इसके साथ मैं कंटोरिंग करूँगी। और उसके बाद ना मैंने फिंगर टिप के साथ ही मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। जिन लड़कियों को नहीं मतलब नोज़ कंटोरिंग करनी आती तो वो इस तरीके से अपनी फिंगर टिप के साथ भी कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने अपने ब्लश को ब्लेंड किया है, फिर दूसरे कंटोरिंग वाला जो ब्रश था उसके साथ फिर मैंने कंटोरिंग की ब्लेंडिंग की है, और फिर फिंगर टिप के साथ ही मैंने अपने नोज़ की कंटोरिंग की ब्लेंडिंग कर ली है। ये यार सबसे बेस्ट तरीका है। ओके जनाब, अब ब्रश के साथ मैं करूँगी कंसीलर की ब्लेंडिंग, और ये जो कंसीलर मैंने अंडर आई एरियाज पर लगाया था इसी को मैं अपनी क्रीज लाइन पर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। मैंने अलग से कंसीलर जो है वो अप्लाई नहीं किया था अपनी आईलिड पर, क्योंकि उससे जो है ना वो मेकअप आपकी मेकअप जो है वो थोड़ा सा क्रीज कर जाता है, ठीक है, तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ। लेकिन जो फाइनल ब्लेंडिंग की जो अच्छी फिनिश आती है ना वो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही आती है, इससे जो है ना आपका जो मेकअप है ना वो लुक लाइक स्किन होता है, ठीक है, तो इसलिए आपने फाइनल जो ब्लेंडिंग करनी होती है वो आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही करनी है। ओके जी, फिर मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का आईब्रो पैलेट, तो इससे मैं अपनी आईब्रोज को करूँगी फिलअप। मैं हमेशा इनका चॉकलेट शेड ही यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज के लिए। ओके, मरियम परवेज के पैलेट में से मैं हमेशा इस शेड को पिक करती हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले इसी को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन के साथ मैच करता है, इससे मेकअप जब अच्छे से पॉपअप होता है। फिर जनाब मैंने हाईलाइटर लिया है O2O का, तो इसको मैं ब्रो बोन पे सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे अप्लाई करूँगी, इससे जो है ना ब्रो बोन काफ़ी लिफ्टेड लगती है। फिर मैंने इसको इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई किया है। अब मैंने एक काजल पेंसिल ली है, ये ग्लैमरस फेस की ब्लैक काजल पेंसिल है, और इसको पहले तो मैं अपनी वाटर लाइन में अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने एक डेंस फ्लैट ब्रश लिया है और इसके साथ मैं इसको करूँगी अच्छे से स्मज करूँगी, ब्लेंड करूँगी, देन मैंने इसको अपनी आईलिड पे अप्लाई किया। जैसे लाइनर लगाते हैं ना उस तरीके से आपने अप्लाई करना है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने एक अच्छी नीट सी लाइन लगानी है, नहीं, हमने इसको स्मज ही करना है, ब्लेंड ही करना है। अच्छा,
अब इसको मैं सेम ब्रश के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। आपने कोशिश ये करनी है कि हमारी क्रीज लाइन तक ना जाए, ये बस हमारी आईलेट तक ही रहे। हम इसको मतलब सिर्फ यहाँ तक ही हम इसको जो है वो स्मच करें, और इसमें कोई नीटनेस या इस चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है। बस आपने इसको जो है वो स्मच करते जाना है जस्ट अपनी आईलेट तक, ठीक है। इसको ना आपने क्रीज लाइन तक नहीं लेके जाना अपने ब्लैक शेड को, लेकिन अच्छे से ब्लेंड करना है। फिर मैंने एक ब्राउन शेड लिया है काशिज के आई शेडो पैलेट में से, और एक फ्लफी ब्रश के साथ मैंने इसको अपनी क्रीज लाइन तक लेके जाना है, और इस ब्लैक आई शेडो के साथ साथ इनको जो है वो ब्लेंड करते जाना है। अच्छा, आपने ना क्रीज लाइन से ऊपर ऊपर नहीं जाना, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऊपर आपने अपनी ब्रॉ बोन तक नहीं जाना, बस जहाँ तक मैं कर रही हूँ आपने यहाँ तक ही इसको इसकी ब्लेंडिंग करनी है। फिर मैंने एक दूसरा ब्रश लिया है जो कि जिसके ऊपर कोई आई शेडो नहीं था, तो इसके साथ अब मैं इसको अच्छे तरीके से कर रही हूँ स्मच। आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे के ना और हल्के हाथों के साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड लगी है तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो कर रही हूँ। फिर अच्छा, वही ब्राउन शेड जो था उसको मैंने अपनी लोअर लैश लाइन के साथ के ऊपर भी अप्लाई करके ब्लेंडिंग की है। एजेस जो होते हैं इनको आप अपने फिंगर टिप्स के साथ भी इनको आप स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये फेसेट का था हाइलाइटर है, इसको मैंने अप्लाई किया है और फिंगर टिप के साथ बस मैंने इसको मिडल पे ही रखा है और यहाँ तक मैंने इसको ब्लेंड किया। अच्छा, ये यहाँ पे शायद इतना अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था यार। लैश कर्लर से आई लैशेज को लिफ्ट अप किया है, मस्कारा अप्लाई किया है और हाफ कट की हुई आई लैशेज जो है वो मैंने अप्लाई करनी है। ओके जी, उसके बाद थोड़े से पाउडर प्रोडक्ट्स भी यूज़ करने चाहिए, तो मैंने सिफोरा का पाउडर ब्लश जो है वो अप्लाई किया है। इससे जो है हमारा ब्लश भी लॉन्ग लास्ट होगा। फिर ये मेरा टूट गया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर था, बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये पड़े पड़े टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। बहरहाल इससे जो है वो मैंने थोड़ा सा और अपने फेस को मतलब ब्राउनजी सा किया है, क्योंकि मेरा मेकअप, मेरी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ गई थी। अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, दोपहर का टाइम, और यार सर्दी है के ना पूछो, सर्दी से मेरे हाथ बर्फ़ बने हुए, जमे हुए, काले स्याह हुए हुए हैं। और अभी बहुत से लोग कहेंगे बहन थोड़ी सी तवज्जो अपने हाथों पे भी दे लो, तो यार सर्दियों में मेरे हाथ ऐसे ही हो जाते हैं। बहरहाल जी, लिपस्टिक की तरफ आते हैं, तो मैंने यहाँ पर ग्लैमरस फेस की ब्राउन कलर की जंबो पेंसिल यूज़ की। फिर मुझे याद आया कि मैंने हाइलाइटर यूज़ नहीं किया, तो मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। अच्छा, बहरहाल ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही थी मैट लुक में, लेकिन मुझे डार्क लिपस्टिक्स जो हैं वो अच्छी नहीं लगती स्मोकी आई मेकअप के साथ, तो मैंने फिर क्या किया था कि लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई की लाइट ब्राउन कलर की। ये O2O की लिक्विड लिपस्टिक थी, बहुत ज़बरदस्त है, 2-in-1 लिपस्टिक है। और उसके बाद जनाब ये मेरा मुकम्मल हो चुका है यहाँ पर मेकअप, और ये मेकअप देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस भी चेंज कर लिया है। इस ड्रेस की अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाएं, इंस्टाग्राम पे आप आके मुझे फॉलो करें, मैं वहाँ पे रील्स अपलोड करती हूँ और बहुत मज़े की वीडियोज़ जो वहाँ पे डालती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे आके आप फॉलो करें। मैंने इयररिंग्स वगैरह पहने और उसके बाद फिर बस मैंने क्या किया था कि इंस्टाग्राम के लिए अपनी वीडियो जो है वो फिल्म करनी थी वो की थी। यार अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर करें। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसी वॉइस ओवर की, काफ़ी अर्से के बाद मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ अगर वीडियोज़ को आप लोग लाइक करें तो मुझे बताओ, फिर मैं ऐसी वीडियोज़ और भी बनाऊँगी। थैंक यू वेरी much for watching. Allah Hafiz.